मानसून की तेज चाल और भारी बारिश देश भर में बनी मुसीबत का सबब। भारी बारिश और बाढ़ का सबसे भीषण कहर उत्तराखंड में देखने को मिला। उत्तरकाशी, केदारनाथ, जोशीमठ और बद्रीनाथ के इलाके में हुई भारी तबाही। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी हुआ भारी नुकसान। उत्तराखंड में बारिश की वजह से फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। भारत तिब्बत पुलिस बल ने कहा कि सुरक्षा बल हेलीकॉप्टर के द्वारा बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। बाढ़ की चिंता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यमुना के किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को निकालना किया शुरू। लगातार बारिश तथा हरियाणा से पानी छोड़े जाने के कारण पैदा हुई बाढ़ की आशंका। मानसून ने पूरे देश में दी दस्तक। उत्तर भारत के कई इलाकों में वक्त से करीब एक महीने पहले पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक, कोंकण और गोवा के साथ महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में तेज बारिश होने की दी चेतावनी। केंद्रीय मंत्री सीताराम ओला ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने अपना पदभार संभालते हुए कहा कि उन्हें दी गई महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि इस मंत्रालय में वे पहले भी कर चुके हैं काम। भाजपा द्वारा बुलाए गए बिहार बंद के दौरान सार्वजनिक यातायात प्रभावित। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर ट्रेन और सड़क यातायात को किया बाधित। पटना में जेडीयू और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट, संघर्ष में कई लोग घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल विधानसभा के विशेष सत्र में अपना बहुमत करेंगे साबित। 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जेडीयू को 122 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। जेडीयू के पास मौजूदा समय में 118 विधायक हैं, कई निर्दलीय विधायकों के भी समर्थन की उम्मीद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से की मुलाकात। लालकृष्ण आडवाणी से मिलने के बाद मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निवास पर पहुंचकर लिया उनका आशीर्वाद। शेयर बाजार गिरावट के साथ हुए बंद। सेंसेक्स में 103 अंकों की कमी, 19,223 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 36 अंकों की कमी, 5,814 पर हुआ बंद। अफगानिस्तान से गठबंधन सेना की ओर से सुरक्षा जिम्मेदारियां राष्ट्रीय सेना एवं पुलिस को सौंपे जाने के बीच आज राजधानी काबुल में जोरदार बम विस्फोट हुआ। विस्फोट पुले सुर्ख इलाके में अफगान स्वतंत्रता मानवाधिकार आयोग के कार्यालय के निकट हुआ। विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को ताल मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में इसराइल के बोरिस गर्लफ्रेंड ने ड्रॉ पर रोका। आनंद ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन पिछले विश्व चैंपियनशिप में उन्हें चुनौती देने वाले गर्लफ्रेंड ने भी बेहतरीन रक्षण का प्रदर्शन कर मैच को ड्रॉ कराया। सोमदेव देववर्मन मैच पॉइंट सहित कई मौके गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के मैड रिट के हाथों पहले दौर में शिकस्त के साथ ही विंबलडन क्वालिफायर से हुए बाहर। दुनिया के 135वें नंबर के खिलाड़ी सोमदेव ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 6-7, 6-4, 16-18 से हार का करना पड़ा सामना।